नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो से मैं आपको अंतरदशा का फलित बता रहा हूं कि जब किसी ग्रह की अंतरदशा आती है तो वो किस तरह का फल प्रदान करता है। ये भी पिछली बार डिस्कस हुआ था कि महादशा से आदमी की प्रकृति चेंज होती है, इंसान की प्रकृति चेंज होती है और फल जो देने वाली होती है वो अंतरदशा देती है। अंतरदशा ही सारे फल देती है। तो अंतरदशा का फल कैसे मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी के लिए हमने लास्ट टाइम को बताया था कि अगर ग्रह बलि बलि कैसे हो, कि शुभ भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, 6-8-12 भाव में ना हो, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो, शुभ ग्रह से त्रस्त हो, शुभ कतरी में हो, पाप कतरी में ना हो, तो ग्रह बलि होता है। और ग्रह बलि होता है तो फिर वो रिजल्ट्स भी अच्छे देता है। जब उसकी दशा आती है तो रिजल्ट्स भी अच्छे देता है, चाहे वो लग्नेश हो, चाहे चतुर्देश हो, चाहे व्ययेश हो। इवन 12वें भाव के स्वामी की दशा भी आएगी, और 12वें भाव का स्वामी भी अगर अच्छे स्थानों में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हुआ है 12वें भाव का स्वामी, तो वो 12वें भाव के लिए अच्छा हो गया। तो व्यय जो कराएगा वो सदमार्ग पे कराएगा, किसी गलत मार्ग पे व्यय नहीं कराएगा, आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आपका नहीं कराएगा। तो वो जरूर वो चीज भी आप बहुत देखने वाली होती है कि ग्रह बली है या नहीं। फिर तो दूसरा ये देखना है कि ग्रह निर्बल तो नहीं है। अब निर्बल होने के लिए क्या है कि ग्रह 6-8-12 भाव में बैठा हो, या मित्र राशि शत्रु राशि में बैठा हो, या नीच राशि में बैठा हो, या अस्त हो, पाप ग्रहों से त्रस्त हो, या पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, कोई भी भावेश मतलब किसी भी भाव का स्वामी अगर ऐसे बैठा हुआ है तो फिर उस भाव की हानि होती है। सिंपल प्रिंसिपल है, किसी भी भाव का स्वामी अगर पीड़ित है, निर्बल है, बलहीन है तो उस भाव की हानि होती है। और निर्बल बलहीन के लिए मैंने आपको वही बताए कि वो देख लीजिए कि 6-8-12 भाव में तो नहीं, शत्रु राशि में तो नहीं, नीच राशि में तो नहीं, पाप कतरी में तो नहीं, पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं, पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं। ये सब चीज चेक करने के बाद आप कह सकते हैं कि ये ग्रह पीड़ित है या नहीं पीड़ित है। तो जब भावेश पीड़ित होता है तो उसी भाव के फल आपको विपरीत मिलते हैं। जैसे हमने कहा था कि व्यय भाव का स्वामी अगर अच्छा होगा, बलवान होगा तो आप इस सदमार्ग पे व्यय करेगा, लेकिन अगर वही व्यय भाव का स्वामी बलहीन है, पीड़ित है तो आदमी का अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है, उसके हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, ये सारी चीजें हो जाती है। तो आज हम उसी चीज पे पढ़ेंगे कि ग्रह अगर पीड़ित है, भावेश किसी भी भाव का स्वामी अगर पीड़ित है तो कैसे फल मिलते हैं, इस बात पे ही हम लोग आज आगे चलेंगे। ये कहते हैं कि अगर लग्नेश इस तरह से पीड़ित हो, देखिए लग्नेश का मतलब उन्होंने बोला है कि अगर लग्नेश जो लगन भाव का स्वामी है अगर वो इस तरीके से पीड़ित हो, जैसे हमने बताया इसके अंदर कि पाप ग्रहों से त्रस्त हो, पाप ग्रहों के साथ हो, 6-8-12 भाव में हो, शत्रु राशि में हो या अस्त हो, तो अगर लग्नेश इस तरह से पीड़ित हो तो जब उसकी दशा आएगी, लग्नेश की दशा आएगी तो ऐसे केस में ऐसे केस में जातक को जेल जाने का भय रहता है, जातक को बंधन योग हो जाता है कि बंधन योग हो सकता है, उसे बंधन में रहना पड़ सकता है, उसको उसे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका नाम खराब हो सकता है, उसके यश में कमी आ सकती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपका भावेश कमजोर है या निर्बल है। दूसरा श्लोक में ये बताते हैं, लग्नेश की दशा को तो मैंने आपको बताया, अगर वो ये कहते हैं कि अगर द्वितीय भाव का स्वामी बिगड़ा हुआ हो, द्वितीय भाव का स्वामी सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर बिगड़ा हुआ है, सेकंड हाउस का लॉर्ड मतलब कि आपका जो जिससे हम वाणी देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, परिवार देखते हैं, भोजन देखते हैं, वो सेकंड भाव हमारा होता है, धन देखते हैं, जमा धन देखते हैं, तो अगर सेकंड भाव का स्वामी हमारा बिगड़ा हुआ है तो उसकी अंतरदशा में क्या होगा, उसकी अंतरदशा में आदमी की वाणी में प्रॉब्लम हो जाती है। किसी भी सभा में अगर वो बोलने को उसे खड़ा कर दिया जाए कि भैया यहाँ तुम बात कर लो, यहाँ बोल लो, तो आदमी खड़ा तो हो जाएगा बोलने के लिए, लेकिन वहां जाके माइक को उसे समझ ही नहीं आएगा कि मुझे बोलना क्या है, अगर वो भावेश पीड़ित है और उसकी दशा चल रही है तो उसके अंदर जड़ता आ जाती है और वो अपनी वाणी पे कायम नहीं रह पाता, उसका परिवार इधर उधर बिखर जाता है, परिवार में अनबन शुरू हो जाती है, खाने में उसकी रुचि नहीं रहती, वाणी में दोष होता है, उसका जमा धन नष्ट होता है। तो ये देखना है कि द्वितीय जो है सेकंड भाव का स्वामी कहीं पीड़ित तो नहीं, सेकंड भाव का स्वामी कहीं दुष्कर्म के साथ तो नहीं,
कहीं पाप ग्रहों के बीच में बैठ नहीं बैठा, कहीं पाप ग्रहों से त्रस्त तो नहीं, कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं, कहीं अस्त तो नहीं, कहीं शत्रु राशि या नीच राशि में तो नहीं। तीसरा श्लोक भी ये बोलते हैं, इस श्लोक में इन्होंने कहा है कि तीसरे घर का स्वामी अगर बिगड़ा हुआ हो, तीसरा घर किस चीज का होता है? तीसरा घर होता है हमारे सहोदर का, भाई बहनों का, खेलकूद का, शिल्प कला का, और हमारे जो नौकर चाकर हैं या जो हमारे अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनका भी ये होता है। तो अगर तीसरे घर का स्वामी बिगड़ा हुआ है, वो पीड़ित है, तो सिंपल सी बात है, खेलकूद में सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप खेलकूद में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, विजय नहीं प्राप्त होगी आपको उसके अंदर। आपके भाई बहनों से आपकी नहीं बन सकती है, या उन्हें भाई बहनों को कष्ट हो सकता है, वो भी चीज हो सकती है। अगर आप शिल्प कला में रुचि रखते हैं तो कला आपकी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। आपके नौकर चाकर या जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आपको सहयोग नहीं करेंगे। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि तीसरे घर का स्वामी कहीं बिगड़ा हुआ तो नहीं, अगर बिगड़ा हुआ है तो उसकी दशा में, ये सब कुछ दशा में होना है। और बिगड़े होने के लिए जरूरी वही है जो मैंने बताया आपको, कि भावेश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या शत्रु राशि में बैठा हो, या अस्त हो, या पाप ग्रहों से त्रस्त हो, पाप ग्रहों के पीछे बैठा हो, पाप कतरी में हो, तो भावेश जो है हमारा पीड़ित हो जाता है। इसी प्रकार चौथे घर का स्वामी के बारे में बात की गई है कि चौथे घर का स्वामी यदि निर्बल हो तो उसकी अंतरदशा में माता को कष्ट हो, आप वाहन ना खरीद पाए, मकान ना खरीद पाए, मकान में अगर खरीदे तो प्रॉब्लम आपकी हो जाए। अगर उसकी दशा में मकान आप खरीद देते हैं, चौथे घर का स्वामी निर्बल है और उसकी अंतरदशा में आप मकान खरीदने जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ लिटिगेशन उस मकान पर लग जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जिसकी महादशा है या जिसकी अंतरदशा है वो निर्बल ना हो। यहाँ महादशा भी लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत कीजिए, महादशा का मतलब अंतरदशा ही है, एक तरीके से यही लेके आप चले इसको। तो चौथे घर का स्वामी अगर निर्बल हो तो उसकी अंतरदशा में माता को कष्ट हो, मित्रों को कष्ट हो, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर प्रॉब्लम हो, उसमें खेती ना हो इतनी अच्छी, ये सब चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवें भाव का स्वामी अगर बिगड़ा हुआ, पांचवा भाव हमारा विवेक, बुद्धि, संतान, सबका भाव होता है, प्रेम, लॉटरी, सट्टा, शेयर्स, मार्केट, ये सब चीजें, पेट की बीमारी, ये सब पांचवें भाव से होता है। तो अगर पांचवा भाव हमारा निर्बल है, पांचवें भाव का स्वामी निर्बल है, भाव निर्बल है, स्वामी निर्बल है, वो सब चीज देखिए, भाव मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी लास्ट वीडियो में कि भाव बल होता है। भाव बल के अंदर तीन चीज आती है, भावेश का बल, भाव का बल और कारक का बल, उसको भाव बल बोलते हैं। यानी भाव कैसा है, भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है या पाप ग्रहों की दृष्टि है, भाव शुभ कतरी में है या पाप कतरी में है, भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह बैठे हैं, वो देखना होता है। तो भाव चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि भावेश कहाँ गया, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, अस्त है या कहाँ बैठा हुआ है, या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, वो चेक करते हैं। फिर देखते हैं कि उस भाव का कारक, स्थिर कारक जो है वो कहाँ गया हुआ है। हर भाव के स्थिर कारक होते हैं वो आपको पता ही होंगे, नहीं पता होंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा स्थिर कारक कौन से होते हैं। तो वो स्थिर कारक अगर पीड़ित है तो भी परेशानी होती है। जैसे तीसरे भाव का स्थिर कारक, पंचम भाव का स्थिर कारक गुरु होता है, तो गुरु भी अगर पीड़ित है तो भी संतान में परेशानी, विवेक करने में परेशानी, बुद्धि में परेशानी होती है। तो ये चीज भी देखनी है कि पांचवा भाव अगर निर्बल है, पांचवें भाव पंचमेश अगर निर्बल है, तो उसकी अंतर्दशा में जातक के संतान की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बुद्धि या विवेक उसका खो सकता है, वो निरर्थक इधर उधर घूम सकता है, पेट की बीमारी से हो सकती है, अपने सीईओ से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे अपने जो बॉसेस हैं उनसे उनकी इसकी बनेगी नहीं, क्योंकि राजा की कृपा का भी ये हाउस होता है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। छठे भाव का स्वामी यदि बिगड़ा हुआ हो, छठा भाव अगर बिगड़ा हुआ है, भाव भावेश कारक तीनों बिगड़े हुए हैं, तो चोरों से डर हो, आपको रोग हो सकते हैं, लंबी बीमारी हो सकती है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है, आप ऋण लेंगे तो आपसे ऋण नहीं चुकाया जाएगा, दुष्कर्म बन पड़ेगा आपसे, लोग आपसे बुरा व्यवहार करेंगे, तो ये अच्छा नहीं होता अगर छठे भाव का स्वामी निर्बल हो जाए या छठा भाव निर्बल हो जाए तो उसकी दशा। सातवें भाव का स्वामी अगर निर्बल हो जाए, सातवां भाव निर्बल हो जाए, उसका स्वामी निर्बल हो जाए, तो उसकी दशा में क्या होगा कि आपका वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अगर आप विदेश, क्योंकि विदेश का ही भाव होता है, तो विदेश जाएंगे तो आपकी यात्रा निरर्थक रहेगी, आपकी जिस उद्देश्य को लेकर आप यात्रा करने गए विदेश में, वो यात्रा सफल नहीं होगी आपकी, वो उद्देश्य सफल नहीं होगा, आप निरर्थक भ्रमण करते रहेंगे।
इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अष्टम भाव अगर बिगड़ा हुआ है, अष्टम भाव भी बिगड़ा हुआ हो सकता है, अगर अष्टम भाव या अष्टमेश बिगड़ा हुआ है, वो कमजोर है, तो उसकी दशा में क्या होगा, दरिद्रता आएगी, कष्ट आएगा, मृत्यु कारक कष्ट होगा, लंबी बीमारी हो जाएगी आपको, व्याधि हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, अपमान हो सकता है, ये सब चीजें उस दशा में हो सकती हैं जिस चीज का कारक है वो। अगर आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं तो रिसर्च का काम आपका नहीं सक्सेसफुल होगा, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो वो नहीं सीख पाएंगे अगर अष्टमेश आपका बहुत बिगड़ा हुआ है तो, या अष्टम भाव आपका बहुत बिगड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से नवा भाव, नवा भाव किस चीज का होता है, कंसल्टेंसी का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है, विदेश का भाव भी नवा भाव होता है, विदेश जाने का, विदेश आने जाने का भाव भी नवा होता है, पिता का भाव भी नवा भाव होता है। अगर नवा भाव ही बिगड़ा हुआ है, नवा भाव का स्वामी, नवा भाव कमजोर है, नवे भाव का स्वामी कमजोर है, नवे भाव का कारक भी कमजोर है, वो भी 6-8-12 में है, या शत्रु राशि में है, या नीच राशि में है, तो उस केस में हम कहेंगे कि नवे भाव से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी चीज रिजल्ट में मिलते हैं, वो सारे गड़बड़ हो जाते हैं। पिता को समस्या हो सकती है, हमसे दुष्कर्म बन पड़ सकते हैं, गुरुजन की समस्या हो सकती है, ये गुरुओं का भाव भी होता है, धर्म के रास्ते पे से हम लोग भटक सकते हैं क्योंकि धर्म का भाव होता है, विपत्ति आती है, कष्ट आती है, तो ये सब चीजें नवे भाव के कमजोर होने से प्रॉब्लम होगी। दशम भाव हम लोग जानते हैं कि कर्म का भाव होता है, प्रोफेशन का भाव होता है, तो दशम भाव से यदि दशम भाव का स्वामी यदि कमजोर है, दुर्बल है, दशमेश या दशम भाव कमजोर है, दशम का कारक भी दुर्बल है, तो उस केस में दशम भाव से संबंधित क्या होगा कि आपका प्रोफेशन के अंदर अप एंड डाउन आने शुरू हो जाएंगे, आपका प्रोफेशन नौकरी छूट सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, घर से बाहर रहना पड़ सकता है आपको, अशुभ घटनाएं हो सकती हैं आपके जीवन के अंदर, ये सारी प्रॉब्लम्स में हो सकती है। ग्यारहवां भाव हम लोग जानते हैं, आय का भाव है, लाभ का भाव है, बड़े भाई का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, कर्ण कान का भाव है, दया कान देखते हैं इससे। तो यदि एकादशेश निर्बल हो, यदि ग्यारहवें भाव का स्वामी निर्बल हो, बिगड़ा भाव हो, ग्यारहवां भाव निर्बल हो, तो ग्यारहवें भाव के स्वामी की दशा में भाई को कष्ट होगा, बड़े भाई को कष्ट होगा, जातक को प्रॉब्लम होगी, उसे कान का रोग हो सकता है, उसके उसके लाभ में कमी आ सकती है, बिजनेस कर रहा है तो उसका लाभ बिल्कुल डाउन आ जाएगा, तो इस तरह की चीजें उसके साथ हो सकती हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तृतीय भाव से छोटे भाई का विचार करते हैं और एकादश भाव से बड़े भाई का विचार करते हैं, और तृतीय से दाहिने कान का विचार करते हैं, एकादश से बाएं कान का विचार करते हैं, तो एकादश भाव बिगड़ा हुआ हो तो आदमी के बाएं कान के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार से ये द्वादश भाव, बारवा भाव जो व्यय का भाव है, अगर वो बिगड़ा हुआ है, बारहवें घर का मालिक दुर्बल है, बारहवा घर दुर्बल है, बारहवें घर का कारक जो है वो भी दुर्बल है, मान लिया, तो जातक को अनेक बीमारियां हो सकती है, उसका हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ सकता है, वो बहुत अननेसेसरी व्यय करेगा, उसकी संपत्ति का क्षय होना चालू हो जाएगा, मतलब संपत्ति खर्च होना चालू हो जाएगी जब उसकी अननेसेसरी व्यय चालू हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो यही चीज है, यदि भावेश बलवान हो दशा का शुभ फल मिलता है, और यदि भावेश कमजोर हो तो दशा का अशुभ फल मिलता है। इसलिए जिस तरह की महादशा है उसको साथ में ये भी देखना चाहिए कि वह किस भाव का स्वामी है, और यह भी देखना चाहिए कि वह बलवान है या नहीं। केवल यही देख के मत बैठ जाइए कि साहब ये हमारी इस तरह की दशा है और ये अच्छे भावों का स्वामी, यह भी देखना चाहिए कि वो बलवान है या नहीं। अच्छे भावों का स्वामी तो है, लेकिन वो बैठा हुआ है 6-8-12 के अंदर शत्रु राशि में बैठा हुआ है, प्राप्त ग्रहों से त्रस्त है, तो वो अच्छे भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया। तो ये भी हमें चेक करना चाहिए कि अच्छे भाव का स्वामी भी हो, खाली ये देख लिया कि हमने ये अच्छे भाव का स्वामी है, ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, तो ये बढ़िया ग्रह हो गया, ऐसा नहीं। उसकी पोजीशन भी देखनी चाहिए, उसकी स्थिति भी देखनी चाहिए, उसके ऊपर डिफरेंट ग्रहों के प्रभाव भी देखने चाहिए। उसको देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये ग्रह पीड़ित है या ग्रह बली है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग ये रिजल्ट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मोटिवेशन बढ़ता है। और हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेस्ट ग्रुप बने जा रहे हैं 25 दिसंबर से, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।